भानुपल्ली से बिलासपुर के लिए निकल रही रेलवे लाइन में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने से ग्रामीणों ने मशीनरी का रास्ता रोक दिया है। मंगलवार को रेलवे लाइन की मशीनरी टनल नंबर 10 का कार्य करने पंजाब राज्य के चिकना चौक पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मशीनरी को आगे नहीं जाने दिया। ग्रामीणों का कहना था कि कंपनी को स्थानीय लोगों के सामर्थ्य अनुसार कार्य देना होगा, अन्यथा उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ जो ऊपरी से बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य मैक्स कंपनी शुरू करने जा रही है, तो ये जो पहले अपना ये पहाड़ पर तक ये अपना इन्होंने कार्य कर लिया है, और आगे ये हमारी जो स्थानीय ग्राम पंचायत कोड़ावाड़ा से और बहल से मतलब अपने द्वारा ये शुरू करेगी, तो इसका जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है इससे मेरी बात हो चुकी है, क्योंकि हम यही चाहते हैं सबसे पहले तो ये जो भी हमारे स्थानीय लोग हैं इनके पास जेसीबी मशीनें हैं, पोक लाइनें हैं, और हमारे जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, और इनको जिस भी कैटेगरी का मतलब कोई भी आदमी चाहिए या काम करने के लिए, तो हमारी पंचायतों में मतलब स्थानीय पंचायतों में उपलब्ध है और काम करने वाले अच्छे आदमी है। जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है वो कार्य करने के योग्य है, तो मतलब अपने सबसे पहले उसी को मतलब अपने ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मेरी जो इनका प्रोजेक्ट मैनेजर है मुरली जी, मेरी बात उनसे हुई तो मैंने उनको बात की, मैंने भी आप कहाँ से, आपकी जन्मभूमि कहाँ है, तो उसने कहा मेरी जन्मभूमि है वो पटना में है, विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम। तो मैंने उसको ये एक ही बात बोली भी अगर मान लो विशाखापट्टनम में ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलता हो तो मतलब हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाकर मतलब इंटरफेयर करें, वहाँ काम करने का प्रयास करें या कोशिश करें, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने मेरे को यही कहा है, क्योंकि भी हमारे को बहुत बुरा लगेगा अगर मैं क्या आप लोग यहाँ से मतलब अपने किसी भी बाहर का कोई भी आदमी लाएंगे, जैसा यहाँ गाबर कंपनी के द्वारा किया गया है। पहले यहाँ हमारे एक प्रोजेक्ट आया था जो कि ऊपर से नेर चौक फोर लेन का, तो वहाँ फोर लेन की चोर लेन बनाकर चल गए, और यहाँ गाबर कंपनी एक आई है वो उसने क्या किया, चाय बेचने वाला भी हरियाणा का आ गया, सप्लाई देने वाला भी हरियाणा का आ गया, और मतलब अपने किराना बेचने वाला भी हरियाणा का आ गया। तो यहाँ जो मैक्स कंपनी है इसको इस तरीके से कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो पहला अधिकार है जो मेरी स्थानीय पंचायतें हैं, बहल होई, कोड़ावाड़ा होई, या री पंचायत होई, आगे स्वान होई, और उसके जो आसपास की पंचायतें हैं, सबसे पहले मतलब मैं कंपनी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भी सबसे पहल के आधार से इन पंचायतों में ही अपनी रिक्वायरमेंट दे। अगर इनसे किसी तरीके से इनकी जो रिक्वायरमेंट है मशीनें देने के लिए, जेसीबी पीसी या डेम्पर वगैरह देने के लिए, या हमारे जो ड्राइवर है इनको मतलब उनसे अधिक कोई ज़्यादा चाहिए, तो तब ये जो हमारी उनके साथ की पंचायतें हैं तो उनसे लगवा सकते हैं। अगर कंपनी कोई बाहर का कोई ठेकेदार बढ़ेगी या अपना कोई गलत तरीके से कोई काम करना चाहेगी, तो ये जो मेरी बहल की जनता और कोड़ावाड़े की, जो मेरा जिला परिषद में जितनी भी पंचायतें आती हैं, मेरा पूरा जिला परिषद बिलासपुर इसका कड़ा विरोध करेगा। अगर कोई मेरा मतलब नहीं हमारे स्थानीय यहाँ लोगों में से कोई छल कपट करके किसी तीसरे आदमी से गलत तरीके से कोई एफिडेविट बना के भी आदमी काम करने वाला पंजाब का है और वर्क ऑर्डर वो मतलब अपने गलत तरीके से अपने नाम बनाएगा, तो उसको भी मतलब जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और तो उसको मैं जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो हम ये देखेंगे मतलब अपने भी वो अगर उसने ये मशीनरी का मतलब ने जो रेंट के लिए की है या किस तरीके से मतलब छलकप से कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, तो उसको भी हम उसको अपने जो सत्यापति उसको करवाएंगे, जो भी जिनके जिस भी डिपार्टमेंट के अधिकार में होगा तो उसका पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी कंपनी से और हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी मतलब एक प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा और भारत सरकार ने यहाँ के लिए प्रोजेक्ट दिया है, तो स्थानीय लोगों को एक बहुत बड़ी आस है कि यहाँ मतलब जो रोजगार के अवसर है हमारे लिए खुलेंगे। अगर कंपनी किसी भी तरीके का कोई किसी को इग्नोर करेगी तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि चाहे बेशक चाहे हमारे लोगों को वार पार की लड़ाई लड़नी पड़े। और मैं स्थानीय जनता से मैं यही निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार भी
प्रकार की कोई भी पार्टीबाजी। यहाँ हमारे चाहे कांग्रेसी भाई है चाहे बीजेपी के हैं, सभी भाई भाई है, सभी अपना मिलकर काम करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होगी और यही हमारे लोग पूरी करेंगे। तो मुझे आशा है भी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हमारे जो अपने आपदा प्रबंधन रणधीर शर्मा जी या मतलब अपने हमारे जो विधायक है रामलाल ठाकुर जी या मेरे मतलब अपने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मैं यही निवेदन करूंगा भी वो जो हमारे लोकल है जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखकर जो ये प्रोजेक्ट का रोजगार है और इसको मतलब जो हमारे रोजगार जिनको आवश्यकता है उनको ही मतलब यहाँ काम पर लगाया जाए। अगर कंपनी फिर भी कुछ हेल्प कप्ट करेगी तो मतलब अपने वार पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिला परिषद से मान सिंह दीवान, वार्ड नंबर 13 स्वांच। ये जो प्रोजेक्ट है रेलवे का, काफ़ी लोग इसके निर्भर है। जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे काफ़ी समय पहले आया था उस टाइम ये पनुपली से स्टार्ट हुआ था। आज ये जो है पंजाब से होते हुए बहेड़ की तरफ रवाना हो रहा है। हम इसलिए आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि जो लोकल लोग हैं बेरोजगार लोग यहाँ है, चाहे किसी के पास मशीनरी है या किसी के पास गाड़ी है या कोई बेरोजगार है, तो उनके लिए हम ये चाहते हैं सरकार से भी और ये जो मैक्स कंपनी है कि ये जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं इनको साथ में लेकर चले। अगर कंपनी किसी भी तरह की कोई अपनी कलाकारी करती है तो हम इसके लिए भी हम पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि लोगों का हमें पूर्ण सहयोग है कि लोगों को साथ में लेके ही कंपनी चलेगी। अगर अन्यथा कंपनी ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हम इसके लिए आंदोलन की जो रूपरेखा है वो भी हम तैयार करेंगे। और जिस तरीके से अगर कंपनी हमारे लोगों के साथ धक्का करेगी या हमारे गरीब लोगों की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहे, ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। और इस चीज़ के लिए चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हो, पार्टी का इसमें किसी का कोई नहीं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, लोगों के काम होने चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए श्री नैना देवी जी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।